एक महिला नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाली बबीता जगदेव पति राम जगदेव डिवोर्स लेकर अपने चार बच्चों के साथ अलग रह रही है। उसका मकान आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। महिला का आरोप है कि जब मेरा पति से मेरा डाइवोर्स हो गया तो मेरा मकान क्यों तोड़ा गया। एक तरफ तो प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहनों की रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ निगम और पुलिस प्रशासन इस तरह एक महिला का मकान अवैध बताकर उसे जमींदोज कर देना कौन सा न्याय है। यदि महिला अलग रहकर चार बच्चों का लालन पोषण कर रही है तो उस दौरान उस महिला को अपराधी पति के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। अपराध होने के चलते पीड़ित महिला ने पति से डाइवोर्स लेकर अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही है। महिला ने बताया, नीलगंगा पुलिस बार बार घर पर आकर परेशान कर रही है। यदि आप परेशान करेंगी तो मैं बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी, जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। महिला ने आरोप लगाया कि यदि मेरा मकान अवैध है तो कॉलोनी में अन्य मकान भी अवैध हैं। उन मकान को जमींदोज क्यों नहीं किया है, मेरा ही मकान क्यों किया। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरा पति है अपराधी तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर बंद करने की धमकी बार बार पुलिस देती है। मैं परेशान होकर अब आत्महत्या भी कर सकती हूँ। इस प्रकार का आरोप महिला ने पुलिस से परेशान होकर पुलिस के ऊपर लगाया है। मकान में रहती हूँ और अपने चार बच्चों के संग मैं इस मकान में रहती हूँ। मेरे पति से मेरा 4 साल पहले डिवोर्स हो चुका है और मेरी दीदी के कुछ पहले जो अपराध हैं वो भी अंदर है, उनके जो बाकी लोग हैं वो भी अंदर है। और मुझे बार बार पुलिस परेशान किए जाती है, बार बार मेरे घर में घुसती है, बार बार मेरा कोई मैं कोई 2 नंबर का बिजनेस ही करती हूँ। मेरे पति के 2 नंबर के बिजनेस थे और मैं अपने घर से ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ और मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करती हूँ मजदूरी करकर और मैं अपने बच्चों के संग रहती हूँ। बार बार पुलिस घुसती है घर में और ये बोलते हैं कि आप पे झूठा आरोप का केस बनाया जाएगा और हमेशा मुझे हर जगह से ये भी खबर आती है कि पुलिस मेरे बारे में ये बात करती है, गाली अलग बकती है मुझे पुलिस और बदतमीज से बात भी अलग करती है। कौन से थाने की पुलिस? नीलगंगा थाने की पुलिस हमेशा बदतमीज से बात करती है। और दूसरी बात ये है क्योंकि हमेशा पुलिस हमें ये धमकी दिया जाता है कि पास में इधर कुछ भी जो कार्रवाई 2 नंबर का बिजनेस होता है तो अधिकतर पुलिस ये बोली जाती है कि तुम्हें झूठे आरोप पर फंसाया जाएगा और अगर मुझे झूठा आरोप उस पर लगा तो मैं पुलिस के चक्कर में आत्महत्या अपने 4 बच्चों के संग और मैं खुद भी आत्महत्या करूँगी और उसकी जिम्मेदारी होगी पुलिस। आपने आला अधिकारी? मैंने पहले एक बार आवेदन कलेक्टर जन सुनवाई में मैंने आवेदन दिया था लेकिन मुझे हमेशा पुलिस से खतरा है। मैं 2 नंबर का बिजनेस नहीं करती हूँ फिर भी मुझे पुलिस से खतरा है क्योंकि पुलिस जो 2 नंबर के बिजनेस करते हैं वो तो सही रहते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी आरोपी बनाने की इच्छा रहती है। और मैं अपना पार्लर चलाती हूँ, मेरा नाम है बबीता जगदेव। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करके अपना काम में चला लेती हूँ, जैसे मेरे से बन जाता है वैसा मैं कर लेती हूँ। मेरे पति से मेरा डिवोर्स 4 साल पहले हो चुका और मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने 4 बच्चों के संग। और जिस मकान में आज जो मकान तोड़ा है उस मकान मेरे ससुर के नाम से था, वो मकान मेरे ससुर के नाम से था और उस मकान में रहती हूँ मैं। मेरा पति की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने अपने पति से तलाक ले चुकी हूँ और हमेशा मेरे को पुलिस हमेशा यही परेशान करती है कि आप 2 नंबर के बिजनेस में हो, उसकी बहन हो, इसकी बहन हो, तो जो अपराध कर रहे हैं उनमें मेरा क्या कसूर? मैं सिर्फ रहती हूँ ना, मैं रहेगी मकान तो मैं बना नहीं सकती हूँ, इतना मैं कमाती नहीं कि मैं मकान कहीं और जगह का बना कर रहूँगी। मेरी गलती है कि मैं उनके पास रहती हूँ, अपराधियों के पास, तो उसमें मेरा कसूर क्या? बार बार पुलिस मुझे धमकी देती है घर आकर, अगर पुलिस ने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मेरी आत्महत्या कर और अपने 4 बच्चों के साथ। यही निवेदन करना चाहती हूँ।